अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग ढेर सारे बर्तन देख रहे हैं, तो ये बस अभी शाम की चाय के बर्तन है। और मेरा व्लॉग आज सुबह का नहीं बना, मतलब आधा व्लॉग बनेगा। सो और ये मैंने अभी बनाने के लिए, मतलब बन गई है मेरी दाल, तकरीबन रेडी है। मलका मसूर की दाल बनाई है और बस आयशा भी बाहर से खेल कर आई हैं, तो बस वो अभी सो गई हैं। कौन तंग करता है आपको? अच्छा, ये किसने फेंका था नीचे? बाबा मम्मा दे रही है, मम्मा लगा के दे रही है। चलाइए। अच्छा 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 अच्छा, ये बच्ची बहुत तंग करती है। लगा हो ना कैट, फिर क्या दूं? आप खुद लगाओगी? चलो आप ये लगा लो माँ, आपको कौन मना करता बाबा। एक मिनट, जिंदगी याद आएगा वो आ गया। चलो देखो तो मैट्रिक। आशु, ये किसने फेंका था नीचे? जैसे कि मेरा हस्बैंड बहुत काम करते हैं बेचारे, अपनी बेटी की पोनियाँ समेट रहे हैं कि कोई लगा ना दे, कोई पहन ना दे पोनियाँ। आशु, गुड नाइट, टेक केयर तो बोल दे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और सुबह तो मेरी खैर कब की हो गई थी, और नाश्ता वगैरह दे दिया था मैंने अब्बू को, और जो है बस आयशा उठ गई है, तो बस अभी आयशा को मैं अंडा दूंगी बना के। तो क्योंकि आयशा बॉयल एग नहीं खाती हैं, फेंक देती हैं वो। आशु, क्या कर रहे हो? और मेरा कल का व्लॉग जो है अपलोड नहीं हुआ, तो मैं क्योंकि रात को सो गए थे और ऐड नहीं किया व्लॉग को। सो गाइस, मेरी अब ये व्लॉग इसी के साथ टू बी कंटिन्यू। सो अब इस व्लॉग के साथ मैं अपलोड करूंगी अपना पिछला व्लॉग भी, ठीक है? नहीं, हम पैर पे गिर जाएगा। तो मेरे को दो मैं खींच के दे दूं। धोबी आया भाई, हम कैसे आए हम? धोबी कैसे आए हम? ये देखते हैं हम। आ रहा हूँ मेरी जान। आशु, वो करिए दावील ऑन द बेस को राउंड एंड राउंड। कौन आया है? डोपी आया है। अच्छा, दादा के पास बैठे हैं, डंडा लेकर आए? डंडा नहीं लाए, वो कपड़े लेकर आए हैं धोबी। देखिए कितने सारे कपड़े लेकर आए, गिन कर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस गिन कर आइए। आप ड्राइंग रूम में जाएं, जरा देख कर आइए कितने कपड़े लेकर आए धोबी अंकल। पैन चाहिए और पैन निकाले आप जाके। मम्मा
तो करिए, तो करे ना, पहन दूंगी तो आएगी। धूप आ रही है। आपको आता है ना पैन निकालना? उधर साइड पे रखा हुआ ना आयशा, उधर साइड पे। अच्छा इधर साइड पे रखा हुआ है। और गाइस मेरी सफाई हो गई है। ये जो चिड़िया है ना, ये बहुत दाना गिराती हैं, तो इसलिए इनका जो ना रोज़ाना का साफ करना पड़ता है। ये खाती कम है और गिराती ज़्यादा हैं। बस सफाई वगैरह कर ली है, अभी हस्बैंड उठ गए हैं तो अभी उनको नाश्ता दूंगी। ये जगह इतनी खाली खाली हो गई है, यहाँ से जब से टेबल हटाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आयशा तो चली गई है अपने दोस्त के साथ ही, आयशा के साथ बराबर में खेलने के लिए। अब तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपना, लेते हैं वो। अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। आई मीन पराठे तो मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन जो है ना बस चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी बना ली थी, नाश्ता वगैरह जल्दी दे दिया था अब्बू को, तो इसलिए जो है ना बना के नहीं रखी मैंने चाय, क्योंकि मेरे जेठ भी लेट उठते हैं और अभी हस्बैंड भी हैं तो वो भी लेट उठते हैं। इसलिए अगर देर में उठते हैं अब्बू तो फिर मैं जो है ना फिर बना के रख देती हूँ उस वक्त, अगर 12 बजे तक उठ रहे हैं तो फिर मैं बना के रख देती हूँ उस वक्त तक चाय। लेकिन अगर जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह में तो फिर उसमें बना के नहीं रखते चाय जल्दी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय पैन में, और चाय मैंने चढ़ा दी है। अब मैं कर दूँगी अब तक टेबल को साफ। हमारे पास टॉवल वगैरह ना ऐसे ही टंगे रहते हैं, क्योंकि जिसको चाहा वो हाथ में जल्दी से उठा लिया और फिर मुंह धो लिया, इसलिए इनकी कोई जगह नहीं है टॉवल्स वगैरह की। तो ये ऐसे ही चेयर्स पे जाना है रखते हैं। और अभी बस मैं करूँगी डाइनिंग टेबल की डस्टिंग। सॉस मैंने यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि अक्सर मेरे मेदे में कभी कभी ना दर्द उठ जाता है तो मैं फ़ौरन तक खा लेती हूँ। और आयशा के पास भी यहीं रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सब लाउंज में ही ज़्यादा उठते बैठते हैं। मैंने अब्बू की दवाई बना के रखी हुई थी, सर्दियों में वो यही खाते हैं, अजवाइन और काला तिल और गुड़ और
और जो है कलौंजी, ये चार चीज़ें उसको मिक्स करके खाने से जो है ना आपका बार बार यूरिन पास जो होता है उससे अफाका होता है। और मेरी टेबल हो गई क्लीन और चाय भी बस तकरीबन होने वाली है। सर्दियाँ, सर्दियों के दिन है ना तो हवा इतनी चलती है तो फिर जो है दर्द बहुत सारी आ जाती है और बहुत जल्दी जल्दी आती है फिर दर्द। वैसे भी खैर होती ही है, नमन भी दस्त, आप उसको दस्त नहीं तो डेली करनी पड़ती है और मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ दस्त में। और रो पराठे से बने हुए तक आप दाल के साथ तो खा लें रो पराठा, चाय तो बन रही है और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था चूँकि मेरा दिल नहीं था खाने का, भूख लग भी गई थी बस इसके लिए तो फिर मैंने अभी किया नहीं था। ये सोच रही हूँ कि खा लूँ तो फिर नहा लूँ तो समझ नहीं आया। अब मुझे आइसक्रीम की बॉटल भी बॉइल करनी है कि जो चूल्हा है ना उसे देख के आप लोग समझेंगे शायद मैं इसकी सफाई नहीं करती। एक्चुअली ये चूल्हा जो है ना ये मेरी सास के ज़माने का है तो इसकी हालत ना कुछ ऐसी हो चुकी है, ये बिल्कुल काला मतलब जला हुआ है ना, बिल्कुल जल चुका है। और इसको साफ़ करने से ये तो होता है कि जो ऊपरी ऊपरी साफ़ हो जाता है वो तो हो जाता है लेकिन इसके जो नीचे की जो हालत है ना वो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ, वो आप लोगों से बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये जो इसके ऊपर जो मैं फ्लाइट पेपर चढ़ाती हूँ ना वो इसलिए चढ़ाती हूँ क्योंकि ये पूरा काला हुआ है, जैसे ये हो रहा है ऐसे ही नीचे इसके हुआ है। हालांकि ये हर दो दिन बाद साफ़ होता है और ऊपर से मैं इसको इस तरह साफ़ करती हूँ पूरा और यहाँ से पूरा साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि इसकी हालत ऐसी गैर हो चुकी है कि अब ये देखा नहीं जाता है, तो इसका इलाज भी करना पड़ेगा। तो बस हमारे चूल्हे की ये हाल है तो इससे अब हमारा चूल्हा देख के डरा मत करा करें क्योंकि इस पर थोड़ी सी मेहनत है और मेहनत को ऊपर मैं रोज़ नहीं कर सकती क्योंकि रोज़ाना इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है और हर दो दिन बाद होती है इसकी सफाई तो इसलिए, और हर दो दिन बाद ये ऐसी हो जाता है। हालाँकि इसके ऊपर रोज़ कपड़ा मारती हूँ मैं
और जो है ना क्या बोलते हैं ऑयल इसके ऊपर बहुत जल्दी बैठ जाता है, इसकी हालत इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और इस वॉलपेपर को भी मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, पर ये बस एंड हो चुका है चूल्हा ना। पहले ये चूल्हे बहुत चलते भी थे, अब हर घर में चूल्हे दूसरे वाले आ गए हैं, ओवन टाइप चूल्हे आ गए, अब तो वो यूज़ होते हैं और वो ज़रा जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं, उसकी सफाई भी बहुत आसानी से हो जाती है। हाय आ जाए ना सफाई तो मेरी हो गई है, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो बेडशीट चेंज करूँ, कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं मैं कि नहाऊंगी मैं, लेकिन अभी निकाले हैं बस। अपने आप को फ्रेश करने के लिए भी पहले मुझे एक बंदा छोड़ना पड़ता है पीछे आयशा के लिए, कि कोई आयशा को हैंडल कर लेगा तो फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ, फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ढेर सारे बर्तन देख रहे हैं, तो ये बस अभी शाम की चाय के बर्तन हैं और मेरा व्लॉग आज सुबह का नहीं बना, मतलब आधा व्लॉग बनेगा। सो और ये मैंने अभी बनाने के लिए, मतलब बन गई है मेरी दाल, तकरीबन रेडी है, मलका मसूर की दाल बनाई है। और बस आयशा भी बाहर से खेल कर आई हैं, तो बस वो अभी सो गई हैं। कौन तंग करता है आपको? अच्छा ये किसने फेंका था नीचे? बोरा बाबा का, बाबा मम्मा दे रही है, मम्मा लगा के दे रही है। बताइए। अच्छा 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 अच्छा। ये बच्ची बहुत तंग करती है। लगा रहा हूँ ना कैट। फिर क्या दूँ? आप खुद लगाओगी? चलो आप ये लगा लो अम्मा, आपको कौन मना करता बाबा? एक मिनट जिंदगी आधा है क्या? वो आ गया, चलो देखो तो आशु ये किसने फेंका था नीचे? मेरे हस्बैंड बहुत काम करते हैं बेचारे, बेटी की पोनियाँ समेट रहे हैं कि कोई लगा ना ले, कोई पहन ना ले पोनिया। आशु गुड नाइट, टेक केयर तो बोल दे। और ये आ गई हैं आयशा, नहा धो के वापस आ गई हैं। और आयशा अपने कर्ल्स दिखाए, ये देखिए आयशा के कर्ल्स, रुके आयशा एक मिनट, ये देखिए आयशा के जो कर्ल्स होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं ना। आशु इतने खूबसूरत से लग रहे हैं आपके कर्ल्स, तो ये देखें कितने पाले पाले से लग रहे हैं। और आप यहाँ पे क्यों बैठ गई, क्यों बैठी हो हैं? चाय पीनी आपको? नहीं नहीं पीनी? अच्छा, और हप्पा खाना है आपको? नहीं। हप्पा तो खाना है? नहीं। हाँ हाँ नहीं। हप्पा तो खाना है? नहीं। मेरी बेटी को खाना है? नहीं नहीं हाँ। ओके नहीं। चाय भी नहीं पीनी? दूध दूध तो भी नहीं पीना? फिर क्या पियेंगी? अंडू खाएंगी? सही है, गाँव को बोल तो गागा अंडू ले आएगा। हाँ।
इतनी जोर से फेंका फिर वो, उठा के दो मुझे। बाबा कहीं गए हुए थे क्या अम्मा? नहीं नहीं करने गए थे बाबा। आओ एक काम पे बात सुन अम्मा, एक काम पे बात सुन लो अम्मा। प्लीज प्लीज क्या कर रही हैं आप? लाओ उसको खुला के देता हूँ ना। डाल दो गाँव को उठा के। बस मैं अभी खिचड़ी बनाने के लिए लगी हूँ, फिर गोई भी थी मैंने दाल आगे, बस खिचड़ी बनाऊंगी मैं और साथ में पुदीने की चटनी बनाऊंगी। और गाइस हमने खाना खा लिया और मैंने बनाई थी खिचड़ी हरी चटनी और खोगीना अंडे का। मेरा गला भी बहुत ख़राब हो गया है। खिचड़ी बनाई और आयशा कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ गपशप। आयशा उसको नहीं छूते बेटे, आशु उसको नहीं छूते। आशु आपको मम्मा ने मना किया है ना? अब आयशा से पूछिए अपने टॉयज लेकर आइए, सारे वो लेकर आओ, उससे खेलेगी आयशा आपके साथ। ये खेलने वाली कौन सी है? गुना मिलता है ना? खोल दिया आपने? मम्मा नहीं खोलना था ना, ना। नहीं सारा गिराती हूँ, ये पापा के पाँव पे नहीं लगता या। नहीं वो इतना सारा है, वो उसमें से लो मम्मा, वो इतना सारा, उसके छोटे छोटे से पाँव है ना उसमें, बहुत सारा है वो। अपने पाँव पे लगाइए, इसको हटाओ। ये बर्बादी सिर्फ आयशा को ही करनी आती है, तो अगर किसी को बर्बादी सीखनी है तो आयशा से सीख लें। अभी थोड़ी देर पहले आयशा इनको दूध भी पिला रही थी अपने बेबी को। बच्चे भी ना क्या क्या हरकतें करते हैं, बस देखते रहो इनकी हरकतें। सुबह से लेकर शाम तक आयशा के पीछे बस लगे रहना पड़ता है। आयशा बेबी को अब नींद आ रही है तो उनको आप सुलाने की कोशिश करें, वरना फिर वो रोएंगे ना। अभी भी साफ नहीं हुआ सही से। अब कुछ नहीं, बेबी को नींद आ रही है, वो देखो रो रहा है बहुत। सुलाओ उसको चादर में। मम्मा छुपा दो उसको, छुपा दो मम्मा। का पैंपर तो चेंज नहीं किया आपने? नहीं नहीं भी नहीं करवाई उसको आपने? अभी तो रात हो रही है, उसको ठंड लग जाएगी बहुत, सुबह में करवाएंगे उसको। नहीं नहीं अभी नहीं, वरना तो ये रोएगा, फिर इसको ठंडी ठंडा पानी लगेगा तो। अभी तो ये सो रहा है, देखो इसकी आईज क्लोज हो रही है ना, ये देखा उसकी आंखों में उंगली क्यों डाल ली हो? अपनी आंख में उंगली डालो, डालो अपनी आंख में उंगली,
यूं करके डालो अपनी आंख में। नहीं उसको नींद आ रही है, वो सोने के चक्कर में है और आप उसको जगाई जा रही हो। क्या दूं? छोंदन। छोंदन तो वो लेके चला गया। छोंदन तो किरो लेके गए। ईगल आती है ना यहाँ पीछे से, ईगल आ जाती है ना, डूम करती है वो। हाँ उड़ गई, उड़ गई, पापा रोएंगे अब। गिर गई ना, अब रो रही है वो, इतनी तेज आवाज आ रही है उसकी रोने की। अब क्या करना है को बोला, चुप हो जाओ मैं आ रही हूँ। उठाओ उसको, रो रहा है वो, उठाओ। ये पपी दे दो उसको, फिर रोएगा। फिर उसकी मम्मा को क्या बताएंगे हम लोग? आजू को बता देंगे क्या हम लोग? अच्छा चलो अब व्लॉग को तो एंड करिए। बाय बाय बोले। कौन आया? सो गाइस मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड, और फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले व्लॉग में। सो देखना मत भूलिएगा, और मेरे व्लॉग को करिएगा ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।